नमस्कार जेडि प्लस चैने आरो एक बार स्वागत। एर आगे देखिए अपनी भोटार कार्ड संगे आधार कार्ड लिंक क्यों करबें। जदि भोटार कार्डर संगे आधार कार्ड लिंक ना करें तो क्यों करबें तो भिडियो डिस्क्रिप्शन दिए देव। भिडियो देखे भोटार कार्ड संगे आधार कार्ड लिंक कर फिलते पर। आजकल भिडियो देखो अपनी जो भोटार कार्डर संगे आधार कार्ड लिंक करप्लीकेशन स्टैटास कौन पर्याय आता कि वेरिफाई गए एक्सेप्ट हो ना रिजेक्ट होटी देखार जो सर्वप्रथम आपके अपन मोबाइल एक ब्राउजार ओपन करबें। ब्राउजारे लिखभन एन भि एस पी लिखे सार्च करबें। सार्च कर ले भारत सरकार नैशनल भोटार सार्विस पोर्टाल प्रथम ही नैशनल भोटार सार्विस पोर्टाल अपशन देखते ये अपशन हमें क्लिक करब। क्लिक कर दीची। क्लिक करा साथे साथे आर एक नतून पेज ओपेन होबे। एखाने अनेक अपशन पे जाबेन। आपनी मोबाइलटी स्क्रॉल करे नीचे दिके चले आसबें। नीचे दिके चले आसछि मोबाइलटी स्क्रॉल करे नीचे दिके गिये देखबेन एकटी अपशन पाबेन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ये अपशन आपनी क्लिक करबें। क्लिक कर ले आबार एकटी नतून पेज ओपेन होबे। एखाने देखते पाच्छेन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस। एखाने प्रथमे आपनाके आपनार स्टेट सिलेक्ट करते होबे। आमी आमार स्टेट सिलेक्ट कर दिच्छी वेस्ट बेंगल। देखिनी कोथाय आछे सबार नीचे आछे सबार नीचे देखे नेब वेस्ट बेंगल सिलेक्ट कर दिलाम। तारपर एखाने आपनार रेफारेंस आईडी अर्थात आपनी भोटार कार्डर संगे आधार कार्ड लिंक करार समय जे एकटा रेफारेंस आईडी पेयेछिलेन सेई रेफारेंस आईडी एखाने आपनाके बसाते होबे। आपनी जदि रेफारेंस आईडी भूले गिये थाकेन तो किभाबे बार करबेन सेटाओ देखिये दिच्छि। रेफारेंस आईडी बार करार जन्य आपनाके भोटार हेल्पलाइन एई एप्सटी आपनाके प्ले स्टोर थेके इन्स्टल करते होबे। इन्स्टल करे नीचे बादिकेर कोणे जे एक्सप्लोर अपशनटी आछे ओई अपशने आपनाके क्लिक करते होबे। क्लिक कर दिच्छि। क्लिक कर लेखने अपनी देखते पाबेन एप्लीकेशन स्टेटस बोले एक अपशन वही अपशने अपनी क्लिक कर देवें। क्लिक कर देवर पर एक पेज शो होबे। एखाने आपनाके देखाबे आपनार रेफारेंस आईडी जदि आपनी मोबाइल दिए और ये एप्स दिए एखाने जदि वही भोटार कार्डर संगे आधार कार्ड लिंकर फर्म फिल आपटी करे थाकेन तो आमी जेहेतु करिनि ताई एखाने देखाच्छे ना। एभाबे आपनि देखे निते पारेन। एरपर आमी चले जाच्छि आबार सेई आगेर फर्मटीते। এবার এখানে আপনি রেফারেন্স আইডি বসিয়ে ট্র্যাক স্ট্যাটাস এই অপশনে ক্লিক করবেন। আমার একটু সংখ্যায় ভুল হয়েছে তাই ঠিক করে দিচ্ছি। এবার ট্র্যাক স্ট্যাটাস এই অপশনে ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করলে এখানে দেখিয়ে দেবে আমার অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাসটি কোন পর্যায়ে আছে, অ্যাকসেপ্ট হয়েছে না রিজেক্ট হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট হয়েছে, এখনও রিজেক্ট বা অ্যাকসেপ্ট কোনোটাই হয়নি। যেহেতু আমি কদিন আগে ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করেছি অতএব এক মাস দু মাস সময় লাগবে। তারপর এখানে দেখিয়ে দেবে আপনার স্ট্যাটাসটি কোন পর্যায়ে রয়েছে। আজকের মতো আপডেট এই পর্যন্তই। পরবর্তী আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার।